दोस्तों साल 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल में सभी पाकिस्तानियों को यही उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, क्योंकि चार दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने हराया था और सभी के दिमाग में यही ताजा हो गया था कि पाकिस्तान यह मैच जरूर जीतेगा। लेकिन हुआ कुछ इसका उलट ही। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 132 रन ही बनाए, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हासिल कर लिया। इस दौरान जब फाइनल मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान के दर्शक बड़े जोर शोर से इस मैच को देखने के लिए टीवी के सामने बैठ गए थे और उन्हीं में से एक बच्चे की जुबानी हम आगे सुनेंगे। उस टी शर्ट की पहली खासियत ये थी कि वो जितनी आपके साइज से बड़ी होती वो उतनी ही आप पर जंचती थी, और दूसरी खासियत ये कि इस पर पाकिस्तान ऐसे लिखा था जैसे यह एक ही अक्षर हो। मगर सबसे बढ़कर ये कि टी शर्ट पहनकर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने वाला था। रविवार का दिन जून की तपती दोपहर में हम 3 बजे के करीब टीवी के सामने टटकती बांधे बैठ गए, आंखों में चमकती और दिल में यकीन इसलिए कि चार दिन पहले ही हमने एक तेज रफ्तार गेंदबाज को हल्के नीले रंग की खूबसूरत ड्रेस में खिलाड़ी की विकेट को गिराते देखा था और एक लेफ्टी को उस टीम के बॉलर को पछाड़ते। अलमारी से खास 14 अगस्त पर ही इस्तेमाल होने वाला झंडा तब मेरे कंधों पर था और मैं उस तेज रफ्तार गेंदबाज की तरह हाथ फैलाए घर के 10 चक्कर भी लगा चुका था और अपने पिता से यही टी-शर्ट खरीदने का वादा भी ले चुका था। तब तक दिल में टीम के अजय होने का भरोसा दिल में जम चुका था। भरोसा इसलिए भी था क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले पाकिस्तान ने उस पीली ड्रेस वाली टीम को हराया था, और क्या ही हराया था। वसीम अकरम को विकेट लेने के बाद पवेलियन की ओर दौड़ लगाने का दृश्य देखकर मुझे क्या पूरे पाकिस्तान को यकीन हो चला था कि ये वर्ल्ड कप हमारा है। यकीन और भरोसा अपनी जगह, लेकिन उस टीम के साथ कुछ दिल भी लगा लिया था। एक उम्र के बच्चे जब अपने आसपास मौजूद लोगों को टीवी पर नजर आने वाले 11 खिलाड़ियों की वजह से खुश हो पाते हैं तो वे क्या करेगा। खैर 3:15 बजे मैच शुरू हुआ और फिर कुछ ही देर में दृश्य बदलने लगा, दिल डूबने लगा। पाकिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई पवेलियन लौटने लगी और सैन वार्ने से नफरत होने लगी। माहौल देखकर मेरे माता पिता ने कहना शुरू कर दिया कि हार गई है, छोड़ो बंद कर दो, टीवी का क्या फायदा। मगर हम तो उस तेज रफ्तार गेंदबाज को देखने बैठे थे जो किसी भी हालत में मैच का नतीजा पलट सकता था। इतनी समझ कहाँ थी कि 132 रन के स्कोर का बचाव करना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए घर के आंगन में गए और लंबे रनअप से 6-7 गेंदें फेंकी, दिल को कुछ तसल्ली मिली तो वापस टीवी के सामने जा बैठे। 8:30 बजे दुनिया धुंधली नजर आने लगी, आंखें आंसू से भीग गई। पाकिस्तान 1999 का वर्ल्ड कप हार गया था और जिंदगी में पहली बार दिल टूट गया। मैं तो चलो एक बच्चा था और बड़ों से यही सुनने को मिला है कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन 1999 के वर्ल्ड कप फाइनल की शर्मनाक हार भी थी और अपमानजनक भी। सकलेन मुश्ताक का एक हालिया इंटरव्यू में ये बताना कि फाइनल में हमें इतनी बुरी हार हुई कि हम रोते हुए ग्राउंड से वापस गए, कुछ तसल्ली देता है कि हम अकेले नहीं थे। रात को तो रोते रोते सो गए और सुबह उठे तो दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरे अंकल ने कुछ ऐसे शब्द बोले जो उस नन्हे से दिमाग में पटाखे फोड़ने के लिए काफी थे। मैच फिक्स था, फेंक दिया, बिक गया, बेच आए। आज भी अगर आप YouTube 1999 के वर्ल्ड कप की अच्छी यादें ताजा करने जाएंगे तो संदेहजनक हार को लेकर वीडियो मिलेंगे। फाइनल में सबसे बुरे प्रदर्शन को देखने वाली एक पीढ़ी के दिलों में से पाकिस्तान क्रिकेट उतर गई। 99 की टीम के लिए दुख इसलिए भी ज्यादा होता है कि ये कोई आम टीम नहीं थी, बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का एक ऐसा समूह था कि इसमें वक्कार यूनुस और मुश्ताक अहमद जैसे प्रमुख गेंदबाज मुश्किल से जगह बना पाते। वर्ल्ड कप से पहले BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में वसीम अकरम ने कहा था कि पाकिस्तान में लोग सभी ये समझ बैठे हैं कि हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि मैं इतने प्रतिभावान खिलाड़ियों की कप्तानी कर रहा हूँ। वैसे 1999 के वर्ल्ड कप की हार को ही अपराधी ठहराना गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर 20 जून 1999 की शाम वर्ल्ड कप वसीम अकरम ने उठाया होता तो आने वाले सालों में यहाँ क्रिकेट से जुड़ी व्यवस्था जरूर मजबूत हुई होती। एक दशक में 2 वर्ल्ड कप जीतने से विश्व स्तर पर पाकिस्तान की अहमियत में बढ़ोतरी होती और क्रिकेट के हवाले से किए जाने वाले फैसलों में इसकी बात का वजन भी होता।